22 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन कावड़ रूट दुकानदारों की पहचान के आदेश को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। यूपी ही नहीं, उत्तराखंड में भी कावड़ रूट पर दुकानों पर नाम लिखना अब अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस ट्रैकिंग कर रही है और सरकार के मुताबिक कावड़ यात्रा में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए ये आदेश दिया गया है, तो दूसरे राज्यों में भी ऐसी मांग उठने लगी है। हालांकि इस आदेश पर सियासत भी जमकर हो रही है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाने पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने विरोध को मुस्लिम तुष्टीकरण बताया। ज्योतिर्लिंग है, वहां पर भोले बाबा के भक्त लोग जाते हैं और जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उनको सवाल जो उठाने का काम है वो केवल शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है। वो ये कांवर यात्रा की पवित्रता को प्रभावित करने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। वहीं बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने इस फैसले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इसे शिव भक्तों को भोजन जिहाद से बचाने वाला फैसला बताया। उन्होंने मुस्लिम दुकानों पर हिंदू नाम लिखने को भोजन जिहाद की संज्ञा दी है। ये किसी धर्म विशेष के प्रति घृणा से जुड़ा मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा कहीं ना कहीं हमारी हिंदू आस्था से जुड़ा हुआ है। जिस प्रकार से गैर धर्मों के लोगों को अपने धर्म के प्रति आस्था है, हम सभी को जानकारी है कि मुसलमानों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल मक्का में किसी गैर मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है। तो उसी प्रकार से हमारे कांवरियों के मार्ग, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश जो कि मुस्लिम बाहुल्य है, वैसे क्षेत्र में ऐसा तमाम सारी दुकानें रास्ते में जो पड़ती हैं वो विभिन्न संप्रदाय के लोगों की हैं, जो खासकर मुस्लिम समाज के लोगों की हैं। उन दुकानों से कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार से, उनके किसी भी उससे कोई समस्या भी नहीं है और इस प्रकार का कोई हमारे समाज में भेदभाव भी नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि अगर हिंदू नाम इतना प्रिय है तो हिंदू क्यों नहीं बन जाते। तो अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। अपने नाम का बोर्ड लगाने के आदेश दिए गए हैं, ना सिर्फ यूपी बल्कि उत्तराखंड में भी ये निर्देश जारी किए गए, जिसके बाद में अब विपक्षी पार्टियों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, राज्य सरकार का मामला है, राज्य सरकार कोई भी निकालता है विज्ञप्ति या कानून बनाता है तात्कालिक किसी चीज को, तो सबको मानना चाहिए। आपको लगता है जरूरत पड़े तो ऐसा होना चाहिए? ये समीक्षा का विषय होगा, अगर समीक्षा हो तो राज्य सरकार जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। कावड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट अनिवार्य करने को लेकर बीते दिनों से यूपी की चर्चा पूरे देश में हो रही है। अब सीएम योगी ने पूरे प्रदेश के लिए यह फैसला लिया है और पूरे यूपी में कावड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर संचालकों, मालिकों का नाम और साथ ही पहचान बतानी होगी। इसे लेकर कई पुलिस प्रशासन काम में जुटे हुए हैं, जिसे लेकर खुलासे भी हो रहे हैं और हिंदू नाम वाले ढाबे या फिर दुकानों के मालिक मुस्लिम निकल रहे हैं। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की अपनी दुकानों में तस्वीरें भी लगाई हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में कावड़ मार्ग पर पड़ने वाली हर दुकानों पर अब नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। सीएम योगी ने पूरे प्रदेश के लिए यह आदेश जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक प्रदेश में नेम प्लेट पर दुकानों के मालिक के नाम और उनकी पहचान लिखनी होगी। इसके साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। यूपी में 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, इसके पहले प्रदेश सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार के आदेश के बाद पुलिस ने नेम प्लेट की चेकिंग भी शुरू कर दी है। मेरठ में पुलिस सड़क पर रेहड़ी पटरी वालों की नेम प्लेट चेक करती नजर आई। पुलिस उनके पेपर चेक करती नजर आई है।
मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन के आदेश का असर दिखने लगा है और रेहड़ी वालों से लेकर ढाबा संचालक तक अपना नाम अपने प्रतिष्ठान के साथ लिख रहे हैं। हालांकि प्रशासन भी ये साफ कर चुका है कि ये आदेश धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अप्रिय घटनाओं और विवादों को रोकने के लिए दिया गया है। आपको बताते हैं कि मुजफ्फरनगर में पहले क्या हो रहा था। संगम होटल को सलीम खान चला रहा था। रुड़की रोड पर वेलकम होटल को हाजी मुर्तजा संचालित कर रहे थे। मेरठ के शुद्ध छोले भटूरे को महराज चला रहे थे। जायका रेस्टोरेंट को तंजीम, इटालियन हट को नदीम चला रहा था। इनके अलावा नूर मार्केट में न्यू बाबा स्वीट्स को नौशाद, नीलम स्वीट्स अरशद अहमद, अनमोल फ्रूट यूनिक प्लाजा को जुबैर अहमद चला रहे थे। नाइस कन्फेक्शनरी जो बझेड़ी रोड पर है उसे इसरार चला रहा था। गुडलक टी स्टॉल बझेड़ी रोड पर ही है, उसे शमशाद चला रहा था। कावड़ रूट पर दुकानों की पहचान के आदेश से पहले मुजफ्फरनगर में क्या कुछ होता था ये जरा तस्वीरों के जरिए भी देख लीजिए। आपको इन तस्वीरों में दिख रहा है कि रुड़की रोड पर ढाबे का नाम संगम शुद्ध भोजनालय है, लेकिन असल में इस ढाबे को चलाने वाला शख्स मुसलमान है जिसका नाम सलीम है। नया आदेश आने के बाद अब सलीम ने अपने ढाबे का सलीम शुद्ध भोजनालय का बोर्ड लगा लिया है जिससे इनकी पहचान साफ है। पहचान में कोई कंफ्यूजन नहीं है। प्रशासन ने ऐसे सभी लोगों को निर्देश दिए हैं कि वो अपनी अपनी दुकानों पर अपना नाम जरूर लिखें ताकि कावड़ यात्रा के दौरान कोई हंगामा ना हो। अमरोहा में नेशनल हाईवे किनारे काफी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हिंदुओं के नाम पर ढाबे संचालित कर रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदुओं के नाम पर रखे अपने ढाबों के नाम के साथ साथ ढाबों में हिंदुओं के भगवान की मूर्तियां भी लगा रखी हैं। इतना ही नहीं, ढाबे के बाहर लगे बोर्ड पर कहीं ओम तो कहीं सिख समुदाय के गुरु नानक देव की तस्वीर लगा रखी है, जबकि इन ढाबों के मालिक मुस्लिम हैं। आपका फरमान भाई कहाँ पर रहते हैं? अच्छा, क्या करते हैं आप यहाँ पर? होटल है ये आप ही का होटल? किस नाम से होटल है ये? शिवा गोल्डन ढाबा। अचा, कितने दिन हो गए होटल को? होटल को हो गया 14-15 साल हो गए। यूपी के बाद उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, कांवड़ यात्रा के रूट की दुकान पर नाम लिखना होगा। दुकान मालिक और स्टाफ का नाम भी लिखना जरूरी है। हरिद्वार में भी यूपी जैसा आदेश लागू हो गया है। कांवड़ रूट पर दुकानों पर नाम लिखना होगा, दुकान मालिक का स्टाफ का नाम जरूरी है, दुकानदारों का वेरिफिकेशन भी होगा। देखिए, कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं इसके संबंध में जो होटल ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है। यूपी और उत्तराखंड सरकार के फैसले के बाद जहां एक तरफ सियासत हो रही है वहीं स्थानीय लोग पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत भी कर रहे हैं ताकि किसी भी विवाद की स्थिति से बचा जा सके। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में कई रेस्टोरेंट के मालिकों ने सरकार के आदेश का पालन तो किया है, लेकिन उन्होंने होटल का नाम बड़ा बड़ा और अपना नाम छोटा सा लिखा है। एक बात बताइए कि आप लोगों ने नाम तो लिख दिया है, आपका नाम संजीव? संजीव, आप लोगों ने नाम तो लिख दिया लेकिन जो नाम है वो बहुत छोटे अक्षरों में लिखा गया है, कोई एरो नहीं लगाया गया, बताया नहीं गया, जबकि प्रशासन ने कहा है कि आपको ब्रांड वैल्यू के साथ ही नाम लिखना है। हमारे ब्रांड के सामने लिखा है तो और तो कोई लिख नहीं, लेकिन कोई एरो नहीं, डायरेक्टर बस लिख दिया गया। कौन डायरेक्टर है, कहाँ के डायरेक्टर है, कैसे पता चलेगा? जब हमारे सामने लिखा है तो वो डायरेक्टर भी वही होंगे ना। शारिक राणा अकेले इसमें पार्टनर है या कोई और भी हिंदू पार्टनर है? नहीं, और भी हैं पार्टनर। और भी पार्टनर है। क्या कोई फर्क पड़ा इस तरीके से नाम लिखने का? आपकी ब्रांड वैल्यू आज भी आप देख लीजिए, कोई नहीं, लोग आ रहे हैं। सरकार के इस फैसले से सहमत है आप लोग? जी, पूरी तरीके से सहमत है आप लोग, कोई दिक्कत नहीं हो रही है आप लोगों को नाम लिखने में? कोई दिक्कत नहीं है। लोग राणा देखकर आ रहे हैं या चीतल ग्रैंड देखकर ज्यादा आ रहे हैं? शारिक देखकर आ रहे हैं, उनका ब्रांड वैल्यू है। तो ये हमने एक आपको रियलिटी चेक दिया है कि चीतल अगर आप पढ़ेंगे तो शायद आपको सुनने में लगे कि ये कोई हिंदू नाम है, लेकिन यहाँ पर नाम लिख दिया गया, शारिक राणा नाम लिखा गया है। और कुछ कस्टमर्स, मैं बात कर सकूँ तो कुछ कस्टमर्स से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ रेगुलरली आते हैं? नहीं, कहीं जा रहे थे? हरिद्वार जा रहे थे।
आप लोग सब जी पूरा हो। तो एक फरमान योगी आदित्यनाथ ने जो सूबे के मुख्यमंत्री सुनाया कि अब सभी रेस्टोरेंट्स को छोटे बड़े कैसे भी हों नाम लिखना जरूरी है, असहमत है उससे आप? नाम लिखना सहमत है, हाँ है बिल्कुल सहमत है आप, हाँ ठीक किया है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप सहमत है? सहमत है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। मायावती ने सवाल खड़े कर दिया, अखिलेश यादव ने सवाल खड़े कर दिया कि नाम लिखने की जरूरत क्या है। देखिए प्रजातंत्र है, कोई भी अपनी बात रखने के लिए, लेकिन लगता है कि ये विरोध वाली चीज है? मुझे नहीं लगता कि विरोध नहीं, नहीं नाम लिखने में कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। योगी सरकार के फैसले से हिंदू ढाबा मालिकों को फायदा होने का दावा किया जा रहा है। अब दावा है कि विशेष समुदाय के दुकानों पर ग्राहक घट गए हैं, जबकि हिंदू ढाबों पर कांवड़ियों की भीड़ देखने को मिल रही है। ये देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ सरकार के आदेश के बाद यहाँ नाम लिखा हुआ है पंडित जी का ढाबा, प्रोफेसर राहुल शर्मा, श्री विजेंद्र शर्मा, उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है और ये बताता है कि कौन मालिक है और कौन संचालक है। लेकिन यहाँ कांवड़ यात्री हमें काफी दिख गए हैं, जो कि गंगोत्री से आप लोग आ रहे हैं, गंगोत्री से ये लोग आ रहे हैं और वापसी के रास्ते पे हैं, यानी हरिद्वार से वापसी के रास्ते पे हैं। इन लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए, योगी जी का नया आदेश आया है, कैसे देख रहे हैं आप? अच्छा दिख रहा है। क्यों? क्यों, जो उन्होंने बताया ना, ऐसे हमको पता चल जाता है कि किसका ढाबा है, तो वही हमारे करते हैं। तो किसका ढाबा है, अब तक भी आप लोग लगातार आते रहते हैं, तो किसी का ढाबा उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क कुछ नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। तो क्या आप लोग को इससे क्या फायदा होगा? आप लोग तो अक्सर आते हैं, फायदा क्या नहीं होता? क्या जैसे बताइए? फायदा ये होता है, हमारे धर्म के नाम पे जागरूकता होते है आदमी को, ये पता चल जाता है कि ये किसका है किसका नहीं है, नाम से पता चल जाता है। जागरूकता आदमी होता है तो उसको नाम से पता चल जाता है कि ये नाम किस प्रकार से लिखा हुआ है। तो हिंदू जाति का नाम ही अलग हिसाब से बना हुआ होता है, जो बोर्ड लगा होता है उसी हमारा स्टैंड करते हैं, वही चाय पीते चाय पीते हाँ। लेकिन जो दूसरे ढाबे हैं, मुस्लिम ढाबे, वो भी तो वर्षों सदियों से इस तरह का लोगों की सेवा कर रहे हैं, चला रुकते नहीं है ना, रुकते नहीं है, हम रुकते नहीं है, हम रुकते ही नहीं है वहाँ, हम आगे चले जाते हैं और आगे देख लेते हैं। जी अच्छा है, प्रशासन का भी अच्छा सहयोग रहा, बढ़िया हमको तरीका से काट दिया गया, बहुत अच्छा सहयोग रहा। दुकान पर पहचान को लेकर सरकार के फैसले को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों का दर्द भी सामने आया, वो भी आपको सुनाते हैं। बाबू जी पहले भी यहाँ से कावड़ यात्रा जाती थी, आप लोग सब मिलजुल कर पूरा इस कावड़ जो बिल्कुल जो कावड़ मेला है इसको सही ढंग से मनवाने में सहयोग करते थे प्रशासन का। इस बार एक नई प्रक्रिया नहीं लागू की गई है, दुकानों पर नाम लिख दिया गया है, प्रोपराइटर अपना नाम बताना होगा, स्पष्ट ना होगा कि ये दुकान किसकी है, मोहम्मद सलीम की है, कलीम की है, राजू की है या धर्मवीर की है। महबूब। तो इसे क्या सही मानते हैं, पहले भी क्या स्थिति हुई ऐसी? पहले नहीं था ऐसा, अभी हुआ ना, मैं ना। क्यों क्यों किया गया होगा ये? सरकार जाने क्यों करा, इस बार सरकार जाने, इससे फायदा होगा कुछ यहाँ कावड़ यात्रा में? कुछ फायदा नहीं लगा। आप क्या कहेंगे भाई साहब, जो ये आप होंगे पिछले 3-4 दिन से लगातार चल रहा है और अभी ये प्रोप्राइटर और ये तमाम नाम लिखे गए हैं दुकानों में पूरे मुजफ्फरनगर के कावड़ मार्गों पर, क्या कहेंगे इस बारे में? इससे पहले तो कभी नहीं लिखे गए थे। क्यों लिखे होंगे? आप पहचान करने के लिए लिखे होंगे, पहचान करने के लिए दुकानदार की, कौन किस धर्म, पहचान जो हो रही है, कोई दिक्कत है इससे? कोई पहचान होनी चाहिए नहीं, बस ये है वह भेदभाव वाला मामला है। अन्य यहाँ से कई साल से कावड़ गुजर रही, कभी आज तक कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, बहुत शांतिपूर्वक हम इस कावड़ को गुजरवाते हैं, खुद अपने आप इसका देखभाल करते हैं, कोई किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि मुसलमान पे कोई बात आए या कोई बात हो। लेकिन अब के पहली बार ही देखा ये मामला कि भाई अपनी दुकानों पर नाम लिखो मुसलमान, तो नाम लिखना गलत है। अगर दुकानदार अपना नाम स्पष्ट कर रहा है, पहचान बता रहा है, लिखा हुआ है सब पे यहाँ, नहीं लिखा हुआ है इस बार हिंदी में भी लिखो, हिंदी में, ये गलत है ना, यहाँ हिंदू में या मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल एक रहे हैं सब, यहाँ तो बड़ी मोहब्बत के साथ बड़े प्यार से सहयोग करते हैं हम कावड़ियों का, किसी तरह की कोई परेशानी हो खड़े हैं 24 घंटे कावड़ियों की सेवा में, कोई दिक्कत है? दिक्कत तो इस बात की है कि भेदभाव वाला मामला बन रहा है, नहीं तो कभी
कभी यहाँ तो सेवा करके चले हैं, कभी ऐसा मामला रहा ही नहीं, कभी पहली बार ही मामला देखने को मिला है। भेदभाव ही क्या, हिंदू भी अपना नाम लिख रहा है, मुसलमान भी लिख रहा है, सिख भी, अमर अकबर एंथनी सभी सब सब लिख रहे हैं, क्या मसला है? गलत है ये, गलत है, हमारी सोच से बाहर है, गलत। साल पहले की बात, आसन नहीं आई, अभी का कोई नाम लेगा भाई, वो खेले टेले वाला केला बेच रहा है, इसका नाम उमर जान है, इसे वे केला नहीं लेने की इनकी सोच है सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के ऊपर जान भी दे देंगे, अपनी आन भी, हमारी शान ही हिंदुस्तान है, हमें इस बारे में कोई गलत सोच रहा है, उनकी गलत संदेश है, बिल्कुल सरासर ही मुसलमान इज्जत से जी रहा है, इज्जत से ही जीवेगा, अपने वतन की साथ ऊपर अपनी जान दे देगा, पर यह गलत बात है बहुत हमारे लिए। क्या कह रहे थे जी? भेदभाव का ही मामला जी, काफ़ी सालों से चल रही, यहाँ पे हम सेवा में खड़े जी, बताओ आज कोई दिक्कत आई है क्या जी, बताओ, लेकिन यहाँ से मिलजुल कर रहते हैं सर, उनकी बहुत, बिल्कुल आपकी बात सही है, पर नाम बताना या लिखना क्या क्यों गलत है? गलत सर इस बात का जी, आज से कस सकावट चल रही, कैसे ये धर्म है जी साहब, जब नाम ईद पे किसी ने लिखा क्या नाम, कैसे जैसे अगवाई हो हिंदू की दुकान है, इस पर से सामान ना लियो, ऐसा है वो आकर दी, तो फिर कावड़ में क्यों, कावड़ में क्यों है? 80% 90-95% ईद बकरीद हमारा दो त्यौहार हैं, हम कभी ये नहीं सोचते कि हम हिंदू की दुकान से शॉपिंग ना करें या खरीदारी ना करें, हमें कोई मतलब ही नहीं इस चीज़ से। तो ये किसी ने रोका थोड़ी है, अगर कावड़ ये आ रहे हैं वो किसी भी दुकान से लें, वो उनकी मर्जी है, सामान लेने को नहीं रोका गया, सिर्फ नाम स्पष्ट किया गया है कि नाम बता दे दुकान का, नाम से दिख तो रहा है कि वो मोहम्मद महबूब है। अब कल हमारे पास बोतल लेने आया एक कावड़िए, अच्छा, तो वो मुझे देख के टूटती और वो बोतल छोड़ के जा लिया, अच्छा मगर भाई क्या हुआ,